Go. Hi students. So reproduction and organisms की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो one by one बात करते हैं. Okay. Now हमारे पास reproduction के अंदर दो चीज़ें हैं, दो तरह की reproduction है. एक है of course the sexual one, और दूसरी of course हमारे पास है the asexual one. तो एक reproduction जाती है sexual, जिसमें of course आप देख रहे हैं कि they are gametes are getting fused to form the zygote. और दूसरी है asexual, जिसमें जो एक्चुअल में सिंपल माइटोसिस, एक सेल है और जो कैरियोकाइनेसिस कर रहा है यहाँ पे, और फिर फाइनली साइटोकाइनेसिस, और दो में डिवाइड हो गया. तो वी हैव सिंपल सेक्शुअल जहाँ गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स द एसेक्सुअल जहाँ पे गैमेट्स फ्यूज नहीं कर रहे हैं. नाउ देखो, आपको सब चीज़ें पढ़ाने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है. इसमें इट्स एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, मैं आपको पार्ट्स बताऊँगा. रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? देखिए, डाइजेशन इम्पॉर्टेंट है. बात करते हैं डाइजेशन की, तो डाइजेशन नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है. डाइजेस्टेड वाला फूड से एनर्जी मिले उसके लिए रेस्पिरेशन ज़रूरी है. फूड जो हमने लिया है, एनर्जी मिली है, जो भी चीज़ें मिली हमने, ट्रांसपोर्ट के लिए सर्कुलेशन ज़रूरी है. देन चलने फिरने के लिए फूड को खाने जाओगे ना, बैठे बैठे तो कुछ हाथ सीधा मुँह में आएगा नहीं ना, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे. तो लोकोमोशन मूवमेंट ज़रूरी है, मसल्स और बोन ज़रूरी है. करेंगे मैं पॉइंट. अच्छा, कंट्रोल करने के लिए नर्वस और एंडोक्राइन ज़रूरी है. तो आपको पता है ये सारे फिजियोलॉजिकल चीज़ें ज़रूरी है आपके ज़िंदा रहने के लिए. देन रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, रिप्रोडक्शन एक्चुअली हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, रिप्रोडक्शन हमारी स्पीसीज के लिए ज़रूरी है. रिप्रोडक्शन एक इकलौता ऐसा मेथड है जिससे हम अपना डीएनए दूसरे में पास कर सकते हैं. लेट इट बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेट बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों में आप क्या नोटिस कर रहे हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी हम अल्टीमेटली डीएनए पास कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी हम क्या पास कर रहे हैं, डीएनए पास कर रहे हैं. तो हमारे टाइप का डीएनए हमारी प्रोजेनी में आगे लेके जाने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो रिप्रोडक्शन है. इसलिए मैं रिप्रोडक्शन को सबसे ऊपर रखता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए नहीं, ये पूरे स्पीशीज के लिए है, एवोल्यूशन के लिए है, एक मेजर कॉज के लिए है. गॉट द कॉन्सेप्ट? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नाउ अब आपको हमेशा ये जानने में बहुत ज़रूरी रहता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब देखिए, आप देख रहे हैं मैंने दोनों डिफरेंसेस के अंदर, ये जो पहला डिफरेंस है वो मैंने रेड में मार्क किया है. नाउ ये मैंने रेड में मार्क इसलिए किया है क्योंकि ये इकलौता ऐसा डिफरेंस है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. फॉर एग्जांपल आपको मैं डिफरेंस इलस्ट्रेट कर देता हूँ. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक, गैमेट फ्यूज कर रहे हैं. एसेक्सुअल में गैमेट फ्यूज नहीं कर रही है, इकलौता ऐसा डिफरेंस है जहाँ कोई बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन उठा सकता. तो मतलब डेफिनेशन है ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जहाँ पे गैमेट फ्यूज करेंगे, और एसेक्सुअल हर वो रिप्रोडक्शन जहाँ गैमेट फ्यूज नहीं करेंगे. एंड ऑफ कोर्स गैमेट फ्यूज करने के लिए गैमेट्स बनने पड़ेंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स किसकी प्रॉपर्टी हुई, सेक्सुअल की. और ऑफ कोर्स जनरली गैमेट्स नहीं बनेंगे किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि गैमेट्स बनते हैं लेकिन वो फ्यूज़ नहीं करते, तो उसको हम एसेक्सुअली कहेंगे. सवाल ये आएगा कि अगर फ्यूज ही नहीं करना तो बन क्यों रहे हैं भाई, ऐसा होता है. देयर इज अ रिप्रोडक्शन नोन एज पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें गैमेट्स बनते हैं लेकिन गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर जाता है. आ रही बात समझ में, क्लियर पॉइंट? तो क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो हम उसे एसेक्सुअल में कैटेगराइज करते हैं. मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन ये है कि गैमेट्स फ्यूज करने चाहिए, चाहे बने चाहे ना बने. ऑफकोर्स सेक्सुअल में गैमेट्स दो होंगे, मेल और फीमेल, तो बाई पेरेंटल होता है. आ रही बात समझ में? कभी कभार यूनि पेरेंटल भी हो सकता है, बिकॉज यूनि पेरेंटल तब हो सकता है जब एक ही पर्सन दोनों गैमेट्स बना रहा हो. ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में, है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जैसे कि आपने उसमें देखा था अपना ये टेप वॉर्म में. तो टेप वॉर्म्स के अंदर पेरेंट एक ही है लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जनरली बाय पेरेंटल होते, फिर एक्सेप्शन आ गया. इसलिए मैंने वो रेड में फर्स्ट वाले को मार्क किया, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इट इज़ यूनि पेरेंटल. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा यूनि पेरेंटल होता है, ये हमेशा यूनि पेरेंटल होगा, ये बाय पेरेंटल कभी नहीं हो सकता, दिस ऑलवेज यूनि पेरेंटल. लेकिन सेक्सुअल जरूरी नहीं कि बाय पेरेंटल हो, मोस्टली ऑफ कोर्स इट इज बाय पेरेंटल, एक्सेप्शन हैं यूनि पेरेंटल में. समझ रहे हैं?
लेकिन पहले पॉइंट में एक्सेप्शन नहीं है। खैर, ये यूज़ करता है मियोसिस, क्योंकि गैमेट बनेंगे तो गैमेट जनरली मियोसिस से बनते हैं। ये जनरली इज सिंपल माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस इस्तेमाल करता है। आ रही बात समझ में? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे क्यों मैंने क्यों इसको भी पॉइंट नहीं बनाया, क्योंकि कभी कभार देखिए, फॉर एग्जांपल पार्थेनोजेनेसिस, अगेन गैमेट्स बनने के लिए मियोसिस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड सेम पार्थेनोजेनेसिस में हम ये भी देखेंगे कि गैमेट बनने के लिए सॉरी पार्थेनोजेनेसिस में कई बार ऐसा हो सकता है कि गैमेट बनने के लिए मियोसिस इस्तेमाल हो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे अगेन मियोसिस जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हो सकता है गैमेट बनाने के लिए, अगर वो फ्यूज ना करें तो। गेटिंग द पॉइंट? ओके। नाउ अब देखिए, जहाँ मियोसिस होगा वहीं वेरिएशन आएगा, तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही वेरिएशन आता है मेजर, ठीक है ना, जनरली, ठीक है। और वेरिएशन ही ज़रूरी है इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इवोल्यूशन फेवर करेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन नहीं आएगा, और वेरिएशन नहीं आएगा तो वो ज़्यादा इवोल्यूशन को फेवर नहीं करेगा, लेकिन इट फेवर्स सर्वाइवल इन अनफेवरेबल कंडीशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझेगा, ये सारे डिफरेंसेस जो हैं ये हर जगह नहीं दिए हैं। ये आखिरी वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कहीं नहीं दिया, ये समझने वाला है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन ला रहा है, एंड वेरिएशन इवोल्यूशन को फेवर कर रहा है, वेरी गुड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है उस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अगर आप डार्विन की थ्योरी पढ़ेंगे या कहीं भी आप थ्योरी पढ़ेंगे, तो देखो, एक पर्सन के अगर 1000 बच्चे, एग्जांपल लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म के, और एक ऑर्गेनिज्म के 100, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, मच्छर भी हो सकता है, अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं या ख़राब कंडीशंस आती हैं, तो सर्वाइवल के चांसेस किसके ज़्यादा, जिसके बच्चे 100 या जिसके बच्चे 1000? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नंबर ऑफ प्रोजेनी का अमाउंट ज़्यादा होता है, इजी होता है, जल्दी होता है, इसलिए मोर प्रोजेनी भी प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है उस तरीके से इवोल्यूशन के लिए, ठीक है ना, सर्वाइवल के लिए। भाई सर्वाइव करोगे तो ही तो इवॉल्व करोगे, तो सर्वाइवल के कॉन्टेक्स्ट में के अंदर एसेक्सुअल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन सेक्सुअल का अलग एज है, मतलब इवोल्यूशन आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे तो सेक्सुअल वाले को भी फेवर करता है, एसेक्सुअल वाले को भी फेवर करता है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो इट फेवर सर्वाइवल इन अनफेवरेबल कंडीशन ज़्यादा होंगी, तो ऑफकोर्स एसेक्सुअल इस मामले में हेल्प करेगा क्योंकि उसकी प्रोजेनी ज़्यादा होंगी, जहाँ पे पार्टनर नहीं मिलेगा वहाँ पे एसेक्सुअल फेवर करेगा, लेकिन सेक्सुअल वेरिएशन लाकर फेवर करेगा। तो दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंसेज है, ठीक है, बस याद रखिएगा वेरिएशन सेक्सुअल में है, एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं है। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको कितने तरीके का पढ़ाया जाएगा एनिमल्स? देखिए, प्लांट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लांट्स में आपको हो सकता है कि ग्राफ्टिंग दो चार चीज़ें और बताई जाए। यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ें हैं जो एनिमल एग्जिबिट करते हैं। तो एनिमल्स एग्जिबिट करेंगे बाइनरी फ्यूजन, ऑफ कोर्स, आई एम सो सॉरी, लेट्स गेट, ओके, एनिमल्स एग्जिबिट करेंगे बाइनरी फ्यूजन ऑफ कोर्स, मल्टीपल फ्यूजन, मतलब कि एक से ज़्यादा में डिवाइड करना ऑर्गेनिजम्स का, बडिंग भी एग्जिबिट करते हैं, रीजनरेशन भी एग्जिबिट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स पार्थेनोजेनेसिस भी एग्जिबिट करते हैं। तो पांच तरीके का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एनिमल्स एग्जिबिट करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, ठीक है। सो बाकी बातें आई सपोज विल टॉक अबाउट द बाइनरी फ्यूजन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेगमेंट।